आज तो 20 शेर में एक ऐसी घटना होगी जिसका जीने देखे धक रही हो। 20 शेर में बुधवार टंकी के सामने रेत वाला एक ट्रैक्टर ने स्कूटी से जा रहा एक बासाब के रोंदी लाख्यो, मौका बेच विन की मौत होगी। यह घटना दफोर का टेम की है। अंकपात आड़ी की विष्णु कॉलोनी माँ रेवा वाला 67 साल का दिनेश पांचाल जी घर से निकली के बाजार आड़ी जा रहा था। पीछे से आया रेत वाला ट्रैक्टर ने इनके लपेटम ले लियो, पहियो माथा फिर गयो। आनी घटना के बाद जीवा जीगन टीम वाला टीआई साहब भी मौका पहुंची गया। मामलो कोतवाली निकलियो, ट्रैक्टर भी वहां भिजवाई दियो। ट्रैक्टर वालों मौका पेज विके पटकी के भगी लख्यो। इना ट्रैक्टर पे नंबर अंबर कहीं भी नहीं है, यूं छुट्टो छोड़ो घूमी रहो। तो आज दिन में लगभग 1 बजे निकास चौराहा के पास में एक व्यक्ति अपनी बाइक से सीएच चैरिटेबल हॉस्पिटल से निकास चौराहा की तरफ आ रहा था, तो उसको पीछे से एक सोनाली का ट्रैक्टर चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई। उस टक्कर में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाइक सवार दिनेश अनोप मोतीलाल उम्र 45 वर्ष है, जो काजीपुरा का निवासी है, और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। ट्रैक्टर को जब्त करके थाना कोतवाली लाया गया है और मर्ग दर्ज करके विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। चलो अब तुम्हारे कुश्ती दिखाऊं, एकदम लाइव बेल्ट मार। नगर निगम का बहरे का नगर निगम वाला पेट्रोल पंप पेज गई रात 2 जना उन पेट्रोल भरवान गया था, लगे हाथ हवा वाली लेन में लगी गया। यहाँ हवा भरी रहा कर्मचारी के साथ इनकी कई तनातनी वही की थी। इका बात चली बेल्ट मार जूतम पेजार, पिटवा वाला 2 जना उन तो था पेट्रोल पंप का कर्मचारी, पिटवा वाला 2 जना उन था नाचा मोहन का। पुलिस को हिसाब इना मामला में एकदम आंख पर पट्टी बांधे हाथ में तराजू धरवा वाली बई हरी को कणी तरीक भेदभाव नी लाड़ो भी नीलाय नाड़ी भी नीलाई मैंने दो ही तरफ की FIR काटी। पेट्रोल पंप पे ये विवाद हुआ है कि दो कस्टमर पेट्रोल डलाने के बाद उनने कर्मचारी से हवा भरने के लिए बोला, जो निगम की एक गाड़ी में हवा भर रहा था, तो उनने उसको बोला कब हवा नहीं भराएगी, रात को 10 बज गया है। तो वो उससे कर्मचारी से गाली गुप्ता करने लग गए, फिर उसमें से उनने उनके एक साथी ने उसको झापट मार दिया। इस बात पर उनका विवाद हुआ, उनने मारा पीटी करी, हमारे दो कर्मचारियों को घायल कर दिया, दोनों के सर में चोट आई है, बहुत काफ़ी खून निकला उनको। रात को ही पुलिस कंप्लेंट की गई है, उनका मेडिकल कराया है और पुलिस में FIR दर्ज कराई गई है हमारे द्वारा। कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पे कुछ लोग हवा भराने गए थे, जिसमें उनका आपस में विवाद हुआ था और आपस में मारपीट हुई थी। उस पर प्रकरण दर्ज करके उनको गिरफ्तारी की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली वाली लोकसभा का एक सीन आपने सोशल मीडिया पर देखा जाएगा। इना सीन में ममता बहन वाली TMC का एक सांसद जी कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब की नकल उतारी रहा था, राहुल गांधी भी उनका फोटो खींची रही थो। इना मामला देश भर में विरोध हो रो। गुरुवार सांझ यहाँ टावर वाला चौराहे पे युवा मोर्चा वाला मारा भाई उनने बनर्जी को पुतलों को कल्याण मस्तु करी दियो, लगे हाथ परंपरा के मुताबिक 4-4 लात भी टिकाई दी। TMC के सांसद कल्याण बनर्जी, जिन्हें की कल एक बहुत ही कुलुषित प्रयास किया गया भारतीय संविधान की मर्यादाओं को छिन्न भिन्न करने का, आज कल्याण बनर्जी का भारतीय जनता युवा मोर्चा उज्जैन महानगर ने पुतला दहन करके ये संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा इस प्रकार की सारी विचारधाराओं का हमेशा हर स्तर पर प्रतिकार करती है, और ये पुतला दहन सांकेतिक रूप से भलाई कल्याण मुखर्जी का किया गया है, लेकिन ये हर उस विचारधारा का पुतला दहन है जो भारतीयता को हर बार कटघरे में खड़ा करके अपमानित करने का प्रयास करती है। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाला महापौर जी काशी का अशोक तिवारी जी इनका संगी साथी उन गया दणिया उज्जैन में मंकल रजक दर्शन पान आया। अपना एक महापौर जी वहाँ गया था तो वे इनको जम के स्वागत हुआ। अबे वी आया तो अपनी तरफ से भी आओ भगत तो बने सही। महापौर जी नगर निगम वाला अध्यक्ष जी इन सगला ने मिलकर इनके प्रेम से दर्शन कराया। आज हमारे यहाँ पर उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए विश्वनाथ काशी से वहाँ के महापौर, उनके साथ सारे जनप्रतिनिधि और वहाँ के व्यापारीगण सभी लोग दर्शन करने के लिए आए थे। उन्होंने बाबा महाकालेश्वर के दर्शन किए, दर्शन करके मंदिर की हमारे शहर की व्यवस्थाएं देखी।
तो उन्होंने वहाँ भी प्रारंभ किए हैं, उनको भी देखा है और हमने भी यहाँ पर उनके जिस प्रकार से हम कार्य करें उनको दिखाया है और निश्चित रूप से वहाँ की और यहाँ की दोनों की बातों को मिलाकर के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्था की जाएगी। गामड़ा गांव उनमें खुले टायर वाला प्लांट उन गामड़ा वाला मारा भाई उनके लिए दुख की वजह बनी गया। एक टायर प्लांट यहाँ उज्जैन जिला गटिया ब्लॉक में उज्जैनिया गांव कने डलियो, एक साजापुर जिला में काला पीपल कने का बन्याखेड़ी गांव में, बन्याखेड़ी में सच्ची दो प्लांट डली गया। इनमें निकलने वाला धुआड़ो फसल भी खराब करी रहे फेफड़ा भी। गुरुवार बन्याखेड़ी वाला मारा भाई उन काला पीपल थाना पहुंची गया, यहाँ जम के बैठी गया। इनने एडीएम के भी ज्ञापन दे दियो, गामड़ा वाला उन साफ साफ कह दियो बंद करता हो तो ठीक नहीं तो हम अगले चक्का जाम भूख हड़ताल का बारे में विचार करा। जब शाम के समय या दिन में भी जब उनके टायर जलाए जाते हैं तो उससे धुएं का गुब्बार उठता है और जो पूरे क्षेत्र में फैलता है तो उससे घर के अंदर हमारे बालक बच्चे बूढ़े सभी सांस लेना दुश्वार हो रहा है। कोई भी रात के समय में मास्क पहनकर घर में रहता है, कोई बच्चा बालक पढ़ नहीं पाता है। अगर किसी को हार्ट की बीमारी है या दम की बीमारी है तो वो सुबह शाम तक सांस से इतना परेशान होता है कि उसको रात रात भर नींद नहीं आती है। ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है हर एक व्यक्ति इस गाँव का। ये 12-13 साल से कंपनियाँ चल रही है लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज जब पूरा गाँव इस चीज़ से परेशान है तो हमने ये विचार किया कि इस चीज़ का हमें आंदोलन करना चाहिए, इसलिए हम सारे भाई लोग मिलकर तहसील मुख्यालय आए हैं। अगर ये हमारी मांगे 3 दिन के अंदर पूरी नहीं हुई तो हम के लिए बहुत उग्र आंदोलन करने के भी तैयार है। या तो हमें वहां मरने से अच्छा है कि हम यहीं आके हमें आत्मदाह करना पड़े तहसील मुख्यालय के सामने। हमारी मांग ये है कि जो टायर जला के आयल बनाने की जो फैक्ट्री है जिससे फर्नेंस आयल उत्पादित होता है उसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में बैन किया है लेकिन वही फर्नेंस आयल हमारे घर के पास बन रहा है। इसको बंद करना चाहिए। भानियाखेड़ी तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि उस उद्योग को बंद किया जाए और जो भी अधिकारी और जो भी विभाग उसको चलाने के लिए अभी तक दोषी है उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। चलो अबे आज का मंडी भाव देखना। उज्जैन मंडी में गुरुवार लोकवन का भाव 2200 से लेके 3161 रुपया, पूर्णांक भाव 2538 से लेके 2945 रुपया, ने पोषक का भाव 2150 से लेके 2395 रुपया करिया है। काबली चनाक भाव 6600 से लेके 23900 रुपया, बड़ा चनाक भाव 5161 से लेके 6200 का रिया है। सोयाबीन की उज्जैन मंडी में 10000 बोरी की आवक रही, सोयाबीन का भाव 2200 से लेके 5090 रुपया करिया है। आलू की उज्जैन मंडी में माह 350 बोरी की आवक रही, आलू भाव 350 से लेके 1100 रुपया, मॉडल भाव 700 का चली रहा है। प्याज की 400 कट्टा की आवक रही, प्याज का भाव 400 रुपया से 2500 रुपया, मॉडल भाव 1500 चली रहा है। लहसन की 350 कट्टा की आवक रही, लहसन का भाव 6000 से लेके 19000 रुपया, मॉडल भाव 14000 का रहा है।